सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं हम सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर अनदर गेम प्ले वीडियोस। ओके, होने वाली है फिर से कार एक्स स्टील। तो आ गाइस फाइनली मैं जूनियर क्लब के मालिक यानी कि सीधे सीधे बॉस से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका हूँ। और हाँ, मेरे को बॉस से फाइट करने के लिए उसके पहले कुछ कुछ मिशन पूरा करना पड़ेगा, जो कि मैंने मे भी शायद 4 से 5 मिशन पूरा कर दिए। खैर अभी भी ढेर सारे मिशन बाकी जो कि मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और हाँ, आपको इस वाले वीडियो में भी बड़ा मजा आने वाला। खैर अगर हो सके मैं आज ही बॉस से फाइट कर लूंगा। और हाँ, आज ही मैं अपना माता का टेंशन खत्म कर दूंगा अगर हो सके तो। खैर अगर ना भी हो तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बिकॉज मैं नेक्स्ट वाले वीडियो बड़ा खतरनाक बनाने वाला हूँ, जो कि हाँ सीधे सीधे बॉस से फाइट करूंगा एंड जूनियर क्लब अपना नाम कर लूंगा। खैर उसे देखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप चैनल पे नए आए हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना। खैर बढ़ते वीडियो में, लेट्स बिगिन। ऑलराइट यार, फाइनली मैं आ चुका अपने वही कार के दुनिया में, जो कि मेरे को सबसे पहला मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार मिला, जो कि माज़्दा। और मैं भी शायद मैं इसका नाम सही बोल रहा हूँ। खैर मैंने इसे इसलिए सेलेक्ट करा बिकॉज इसका हेडलाइट जो कि यार देखने में लगता है मैं किसी गन से शूट कर रहा। खैर मैं पहले बता देता हूँ भाई, शूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं है, समझ गए ना भाई, तो देख लो तो बड़ा। खैर मजाक करो, ठीक है। सो हाँ, सबसे पहले मैं निकलता हूँ अपने सिटी में एंड मे बी मैं शायद कहाँ पे हूँ, वैसे अभी तो मैं अपने घर के सामने, जो कि मैंने शायद इसे बाय नहीं करा। वैसे हाँ, मैं सबसे पहले जूनियर क्लब से बात करके देखता हूँ मे बी शायद मेरे कितना रेस बाकी है। मैंने इसमें कुल 6 रेस कम्प्लीट करा एंड अभी मिड डाउन सर्किट #2 बाकी है, #6, #3, #4 एंड फाइनली मैं रेस करूंगा बॉस से, जो कि मेरे को लग रहा आज पॉसिबल नहीं होने वाला। मे बी अगर हो जाए तो मैं फाइनली कर लूंगा। सो गाइस अब बारी है सबसे पहले मैं लोकेशन देखने की, आखिरकार कहाँ से कहाँ रेस होने वाला, जो कि यार बड़ा लंबा लोकेशन है। एंड हाँ, सबसे ज्यादा टेंशन होने वाली जो कि यार यहाँ पे जो अचानक मोड़ आ जाता है ना भाई, पीछे वाले बंदे जो कि मेरे कॉम्पिटिटर रहते हैं वो आगे निकल जाते हैं। खैर ये रेस मेरा 2500 का होने वाला है एंड मेरे को मिल जाएगा। वैसे हाँ, सबसे पहले मैं रूट देखता हूँ जो कि यार मेरे से ज्यादा दूर नहीं है, तो फिर क्या मैं फाइनली यहाँ से निकलता हूँ। एंड आ गाइस मेरा कार में फ्यूल पूरा फुल है जो कि 40 लीटर, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यार इसी के साथ यहाँ पे दिन भी हो चुकी है, जो कि यार बड़ा प्यारा लग रहा है एंड मजा भी आ रहा है। एंड मेरे को रात में उतना प्यारा नहीं लगता, बट दिन का बड़ा खतरनाक लगता। वैसे आ गाइस मैं इस गेम को 1 मंथ बाद खेल रहा हूँ एंड मे बी शायद मैं इसका कुछ कंट्रोलर वगैरह ना बोलो वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। फाइनली मैं कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाला हूँ एंड हाँ, इसका स्पीड बड़ा कम लग रहा है मेरे को, जो कि सिर्फ और सिर्फ 142 गया है। बट डोंट वरी, मैं अपने जब कार को अपग्रेड करूंगा ना तो मैं दिखाऊंगा आखिरकार स्पीड किसे कहते हैं। एंड मे बी शायद मैं अपग्रेड ना करूं एंड मे बी मैं नया कार बाय कर लूं। खैर यहाँ पे मेरे जैसा पूरा सेम गाड़ी आ चुका जो कि माज़्दा एंड रेड वाला कार का भाई बात ही जुदा, बड़ा फास्ट भागता है। लेकिन आज सुरमे वालों को आगे निकलने देता है लेकिन एंड आते आते आगे निकल जाता है। वैसे भाई माज़्दा कार मेरे बराबर चल रहा है, बट डोंट वरी मैं आगे निकल जाऊंगा भाई, ये ठोक है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बूस्ट लेकर आगे निकलना पड़ेगा तो ही मेरे को आगे जाने देंगे। वैसे यहाँ सारे बंदे हम साथ में जा रहे हैं, फाइनली मैं इनसे आगे आ चुका हूँ एंड मे बी ये मेरे से आगे ना निकल सके। ओहो, अबे कोई आगे मत आओ, मैं ठोक दूंगा पहले बता दे रहा हूँ। एंड सारे बंदे मेरे जस्ट पीछे यार, अगर मैं हल्का सा ब्रेक मारा ना बंदे मेरे से आगे निकल जाएंगे। बट मे बी मैं आगे ना निकलने दो इन्हें, अगर भाई निकल गए तो फिर मेरे को फिर से इस गेम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो ही मैं फिर कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं पीछे चला गया तो फिर कोई भी चांस नहीं कि मैं इनसे आगे निकल सकूं। बट वेट भाई, बड़ा खतरनाक सा मोड आ चुका था एंड मैंने इस मोड को पार कर दिया। ना अभी मेन मोड तो बाकी है जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही देर में आने वाला है, अगर मैं वहां से आगे निकल गया तो आज फाइनली फिर मेरे को नहीं हरा पाने वाले अगर मैं वहां से मुड़ गया तो, एंड वो कुछ ही देर में आने वाला। और हाँ, कार अभी भाई काफी ज्यादा पीछे है वो लोग, तो मेरे को लग रहा है मैं ये रेस क्यों ही जीतने वाला हूँ। बट लेट्स ट्राई, मे बी अगर मैं जीत जाऊँ, वैसे हाँ गाइस अगर मैं जीत गया तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए होगे तो। एंड वेट आ भाई, तो अब मेरे को लग रहा है नहीं जीत पाऊंगा मैं। ओ भाई, रेड वाला बंदा जस्ट मेरे सामने है। ओ भाई साहब, अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, अब मैं पूरा गारंटी हो चुका मैं नहीं जीत पाऊंगा। ओ भाई बंदे, अबे यार भाई रुक जा यार भाई, इज्जत का सवाल है, सब्सक्राइब के बारे में मैंने पहले बोल दे रखा है। और हाँ, बस बस बस, जस्ट 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 जस्ट। ओ गाइज वेट वेट वी आर भाई, यार मैं क्या ही बोले जा रहा हूँ इन बंदे के कारण। एंड यहाँ पे फाइनली एक और मोड आ चुका है जो कि मेरे को पहले से मोड लेना पड़ेगा, पर टीसी के साथ में हार चुका हूँ एंड मैं रेस फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि मेरे सब यहाँ से नहीं होने वाला है। फाइनली ज्यादा कुछ नहीं, मैं सीधे सीधे रिट्राई कर देता हूँ एंड मे बी शायद मैं आपसे सीधे सीधे यहीं पे मिलूँ। डरगंज में फाइनली इनसे किसी तरह बचते बचाते आगे आ चुका हूँ एंड मे भी शायद मैं अब जीत जाऊँ, लेकिन मेरा ट्राई तो पूरा है एंड शायद ये बंदे मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन हाँ, मेरा नाइट्रो अगर जरा सा फूल रहा था ना तो फिर मैं इन्हें दिखाता, लेकिन हाँ मैं फिर भी क्लिक कर देता हूँ मे भी यार, मैं शायद इनसे जीतने ही वाला हूँ। और हाँ भाई लोग, ये अब तक का सबसे ज्यादा लंबा रेस है जो कि 5.3 किलोमीटर का। और हाँ, आप ज्यादा ही आगे मोड आने वाला है एंड अगर मैं वहां से जीत गया तो फिर ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाने वाले। और वेट 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 अ सेकंड, अगर मैं यहाँ से मोड़ दिया तो फाइनली
ओ भाई साहब वेट 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 अ सेकंड एंड मे बी शायद मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। एंड गाइस फाइनली मैं यहाँ पे फिर से नाइट्रो फुल कर देता हूँ। इसी के साथ मेरा यहाँ पे नाइट्रो फिर से खत्म हो चुका है। एंड हाँ भाई लोग, अगर मैं ये रेस अबर जीत गया तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको पता है ना क्या करना, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब, बस इतना ही कहना। एंड मेरा रेस यहाँ से फिर से स्टार्ट हो चुका भाई यार। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुल 80% रेस अपना खत्म कर चुका हूँ और सिर्फ और सिर्फ 20% रेस और बाकी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 17% बचा हुआ, 16% 15 एंड भाई साहब ये वाला मोड बड़ा खतरनाक लगता है। एंड अगर मैं यहाँ से पार कर गया तो भाई साहब मैं जीतने वाला हूँ, बट फाइनली मैं यहाँ से पार ही कर गया। ओ हो, कुछ ही देर की बात है एंड अगर मैं इनसे जीत गया ना तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाने वाले। एंड गाइस फाइनली यहाँ से कुल 300 मीटर के दूर में शायद मेरा रेस खत्म होने वाला, लेकिन भाई यहाँ पे क्या है दिखाया जा रहा था, लेकिन हाँ कोई ना, मैंने यहाँ पे कुल 99% रेस खत्म करा। ओ और भाई इसी के साथ फाइनली मैं ये रेस जीत चुका हूँ एंड मेरे को इसी के साथ यहाँ पे कुल $2500 मिला हुआ एंड एक्सपी 20 और मेरा पोजीशन इसी के साथ यहाँ पे पहला हो चुका, जो कि यार भाई साहब मजा आ गया। एंड अब बारी है नेक्स्ट वाला रेस करने का एंड पता नहीं आखिरकार उस समय कौन कौन से गाड़ी आने वाले, लेकिन हाँ जो भी आ जाए मेरा कार भाई साहब खराब नहीं है, जो कि यार मजा है। एंड ये मेरा दिल के करीब है, क्या ना मेरे को इसने हराया नहीं, पहले बार मैं अपने चक्कर में हार चुका था जो कि मैं ढंग से मोड़ नहीं पाया, लेकिन मैं इस बार कैसे भी करके जीत गया। तो आ गए मैं पढ़ता हूँ सीधे सीधे नेक्स्ट वाले रेस की एंड देखता हूँ मैं उसमें जीत पाता हूँ। एंड आ गए अगर मैं जीत गया तो आपको फिर से वही करना है जो मैंने बार बार बोल रखा है, क्या ना बढ़ते हैं एंड देखते आखिरकार नेक्स्ट वाला रेस मेरा किससे होता है। और हमारे को यहाँ पे न्यू लेवल 3 दिख रहा है एंड इसमें क्या करना है मेरे को नहीं पता, मे बी शायद मैं किसी में क्लिक कर दूँ क्या, वैसे यहाँ नेक्स्ट करके देखता हूँ कुछ भी नहीं हुआ। तो फाइनली मैं यहाँ से निकलता हूँ एंड ये कार भाई यार तुझे क्या ही बोलूँ, पहले तो अपना शकल दिखा, वैसे यहाँ कैमरा मोड कहाँ है एंड फाइनली यार फ्रंट से दिखा ब्रो, तेरा फोटो मेरे को देखना है एंड वेट अ सेकंड भाई नहीं हो रहा है वैसे, हाँ खैर मेरे को सबसे पहले यहाँ से जाना पड़ेगा। एंड अब देखो यार क्या ही प्यारा लग रहा है। एंड हाँ गाइस जब रात का समय हो जाता है ना तो और भी खतरनाक लगता है। वैसे आप ज्यादा बकबक ना करते हुए मैं सीधे सीधे बात करता हूँ जूनियर क्लब के मालिक से एंड देखता हूँ आखिरकार नेक्स्ट वाला रिस्क किससे होता है। और भाई नेक्स्ट वाला कार तो रॉक्सी फॉक्सी का है और बड़ा खतरनाक लग रहा है। वैसे हाँ मेरा कार भी उससे बुरा नहीं है, रेटिंग मेरा 113 है, लेकिन हाँ इससे क्या होता है मेरे को नहीं पता। खैर हाँ मैं 5.3 किलोमीटर वाला रेस को कम्प्लीट नहीं करा, 4.5 किलोमीटर वाला हुआ, लेकिन कोई ना मैं उसी तरह इसे पूरा करने वाला हूँ। और हाँ इसमें भी मेरे को कुल यहाँ पे $2500 मिलने वाला, तो सीधे सीधे यहाँ पे निकलता हूँ एंड देखता हूँ आखिरकार इस सर से बात करके क्या मेरे को जीतने देते हैं या फिर नहीं। वैसे हाँ इस गेम की ग्राफिक मेरे को बताना कैसी लगती है। और हाँ भाई लोग मैं आपसे एक बात पूछना ही भूल गया कि जो माउंटेन वाला रोड है मैं उसे कैसे अनलॉक करूँ मेरे को नहीं पता। वैसे हाँ अगर आपको पता होगा ना तो आप कमेंट मेरे को बता देना, बिकॉज यार मेरे को नहीं पता। खैर मैंने इसे फिर से ठोक दिया, लेकिन कोई ना मेरे को रेस में नहीं ठोकना है, सीधे मैं आपसे वही रेस के पास मिलता हूँ। डन फाइनली मैं आ चुका हूँ वही रेस के मालिक के पास एंड हमारे को सबसे पहले यहाँ पे टैंक फुल करवाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को यहाँ पे $1500 पे करना है। तो क्या मैं फाइनली फुल अप करवा दूँ? हाँ भाई मैं करवा ही देता हूँ एंड जो बाद में रेस में मेरा दिक्कत आ दे। वैसे हाँ फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने रेस में एंड मे भी शायद मेरा टैंक पूरा फुल हो चुका है, लेकिन हाँ इस बंदे का कार मेरे को बड़ा खतरनाक लग रहा है और मेरे को जहां तक लग रहा है मैं इसे नहीं जीत पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे मोड काफी सारा आ चुका है। बट मे भी ट्राई में करके देखता हूँ एंड इस बंदे के पास शायद सुपरा है क्या, मेरे को कुछ वैसा ही लग रहा है। लेकिन वेट ब्रो मेरे को जीतने देते भाई, मेरे को बॉस से फाइट करना है यार। खैर शायद इसका मन तो कर रहा है जीतने का नहीं देने का। ओहो वही आगे निकल गया ये बंदा। खैर भाई मैं शॉर्टकट मारने के चक्कर में आखिरकार इस बंदे से फिर भी आगे आ चुका हूँ। ओ हो 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 और आ गए ये बंदा मेरे जस्ट बगल से निकल चुका जो कि फुल स्पीड में एंड मेरा कार का आखिरकार जितना स्पीड था मैंने फुल बूस्ट करने की कोशिश करा, बट मैं फिर भी नहीं जीत पा रहा हूँ यार। वैसे मैं ट्राई करके देखता हूँ एंड अगर नहीं हुई तो मैं फाइनली कार को चेंज करूंगा, अभी नहीं क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं। एंड अगर मैं सेकंड क्लास गाड़ी को बाय करने जाऊँ ना उसके लिए मेरे को अच्छा खासा पैसा चाहिए एंड मेरे पास जो नहीं है। वैसे आ गए मैं इस बंदे से शायद काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ एंड मेरा यहाँ पे रेस कुल 43% कंप्लीट हो चुका है। अगर ये 93% रहता तो और मजा आ जाता। और आ गए मैं क्या इसे जीतने वाला हूँ या फिर नहीं, पहले आप कमेंट में बता देना। अगर आपका सही हुआ कमेंट तो नेक्स्ट वाले मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा। खैर हाँ मे भी शायद मैं जीत जाऊं इस वाले बंदे से। और आ गए जो बंदा जस्ट मेरे सामने चल रहा है। ओहो भाई फाइनली वो बंदा निकल चुका है, बट कोई ना मेरे को पता चल चुका है आखिरकार वो बंदा यहीं से पिकअप लेने वाला है। वैसे हाँ गया जो काफी ज्यादा दूर जा चुका है, मे भी शायद मैं क्या शॉर्टकट रास्ता अपना सकता हूँ, लेकिन वो चीटिंग हो जाएगी ना। तो हाँ यार गाइस मैं शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाने वाला, खैर मैं हार भी जाऊं। ओहो हो 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 क्या ही प्यारा सा ड्रिफ्ट मारा मैंने, अब मेरे को समझ आ चुका। और हाँ गाइस अगर मैं ड्रिफ्ट मार के चलूँ ना तो मे भी शायद मैं इस बंदे से आगे निकल जाऊँ। फाइनली वो बंदा काफी ज्यादा दूर जा चुका है, तो मैं ना सोच रहा हूँ सीधे सीधे आपसे वही मोड में मिलूँ।
डन गाइस, मैं फाइनली बहुत बार ट्राई किया लेकिन हाँ मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं ट्राई करता हूँ, मे बी मैं शायद जीत जाऊँ। एंड हाँ, यहाँ पे रात भी हो चुकी है लेकिन यार मेरे को लग रहा है इस कार का एक्सेलरेशन पावर बहुत ज्यादा। देखो यार अचानक से ये बूस्ट करके आगे निकल जाएगा, अचानक देखना भाई इसका पावर आखिर कितना बढ़ जाता है। खैर अभी बराबर में चल रहा है, वैसे देख लिया ना भाई, भाई मैं अपना एक्सेलेटर से हाथ नहीं हटाया हूँ एंड ये बंदा मेरे से आगे जा चुका है, लेकिन हाँ कोई ना फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, मे बी शायद मैं जीत जाऊँ। वैसे हाँ देखा भाई ये बंदा बड़ा खतरनाक है, खैर मैं शायद इस बार जीत जाऊँ, अगर मैं जीत गया यार तो भाई बड़ा अच्छा आ जाएगा। खैर वैसे मैं फाइनली बाहर जा चुका हूँ ट्रैक से एंड शायद बंदा मेरे आगे जा चुका है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है, वैसे मैं शायद नहीं जीते दूंगा। खैर ये बंदा भाई क्या है, ये बंदा देख रहे हो यार बहुत ही आगे निकल चुका है, बट यार कोई ना उस कार से ज्यादा स्पीड मेरा है क्योंकि यहाँ उसका एक्सेलरेशन पावर ज्यादा है, मेरा कम है। खैर हाँ मैं भी शायद मैं उसके सामने पहुंच चुका हूँ, नहीं 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 भाई वो आगे वाला बंदा है, मैं शायद इसे समझ बैठा था, बट ये रात में ना बड़ा दिक्कत हो रही है। ओहो, वैसे हाँ अगर मैं जीत गया ना तो बड़ा प्यारा होने वाला है। खैर आ गाइस रात का टाइम बड़ा प्यारा लग रहा है, वैसे हाँ ये बंदा मेरे से ज्यादा दूर नहीं क्योंकि आ गाइस मैंने आपको बोला ना मैंने कार का स्पीड ज्यादा है, वैसे हाँ उसका एक्सेलरेशन पावर ज्यादा जो कि स्टार्टिंग में एक्सेलरेट बड़ा खतरनाक का करता है। खैर आ गाइस अगर रास्ता खाली रहता ना तो मैं सब बहुत पहले ही जीतने वाला था, बट फिर से वही मोड आ चुकी है एंड यही मोड में मेरा बार बार मैं ठोक देता हूँ अपने कार को एंड फिर से ठोक दिया, लेकिन अब मैं नहीं जीत पाऊंगा। मेरे को पता चल चुका है मैं नहीं जीत पाऊंगा इस बंदे से क्योंकि वो बंदा बड़ा आगे निकल चुका है। देखा भाई मैं इसी तरह बार बार ठुक जाता हूँ, कोई ना कोई बंदा मेरे सामने घुस जाता है, मैं कट मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं नहीं मार पाता हूँ। वैसे शायद मैं इस बार जीत जाऊँ, वो बंदा मेरे से पहले बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। ओहो, खैर हाँ मैं फाइनली फिर से हारने वाला हूँ क्योंकि वो बंदा अब पहुंचने वाला एंड मे बी मैं शायद नहीं जीत पाऊँ। एंड आगे अगर मैं नहीं भी जीतूँ ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि मेरे को कैसे भी करके अगले वाले वीडियो में बॉस से फाइट करना है। एंड हाँ मेरे को जरूर कमेंट में बताना क्या मैं बॉस का फाइट जल्दी से लेते आऊँ, अगर आप जैसा कमेंट करोगे मैं वैसा ही वीडियो लेते आऊंगा। खैर वो बंदा पहुंच चुका है एंड मैं काफी ज्यादा पीछे हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे को सबसे पहले अपना कार चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। सो खैर गाइस मैं आज के वीडियो को यही रखना चाहता हूँ क्योंकि हाँ मेरे को सबसे पहले अपना कार को फुल्ली ट्यून करना पड़ेगा जो कि मेरे पास अभी कुछ पैसा नहीं। एंड हाँ अगर आपको पता होगा कि आखिर इसमें पैसा जल्दी कैसे कमाते हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसी रूल को फॉलो करूंगा एंड जल्दी जल्दी पैसे ऐड करूंगा एंड अच्छी अच्छी गाड़ियों को बाय करूंगा। तो आ गाइस जूनियर क्लब मेरे लिए क्या रह जाएगा अगर मेरे पास अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई। खैर हाँ इस कार में उतना पावर नहीं था जिस कारण मैं हार चुका हूं, बट मैं आपको बोला ना 7 से 8 दिन के अंदर मैं एक बड़ा खतरनाक सा वीडियो लाने वाला हूँ जो कि बॉस से फाइट करूंगा एंड मैं उसे हराऊंगा। तो हाँ मैं आज के वीडियो को यही रखता हूँ, मे भी अगर आपको वीडियो जरूर पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। खैर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।